अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीब रहमान बेग है। विंड मिल प्राइसेस इन पाकिस्तान, अगर आप अपने घर की छत के ऊपर को विंड मिल लगा के 24 घंटे बिजली पैदा करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आपको पता होना चाहिए कि जो सोलर पैनल होते हैं वो सुबह 6 बजे से लेके शाम 5 बजे तक तकरीबन लाइट्स देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सोलर रात को तभी चल सकता है अगर आप बैटरीज के अंदर किसी इन्वर्टर की मदद से उसको चार्जिंग कर लें, ठीक है। और उसके लिए इन्वर्टर भी बहुत महंगा होता है, हाइब्रिड इन्वर्टर। आपको पता है अगर आप 5 किलोवाट का भी इन्वर्टर लेंगे तो काफी लाखों में आएगा, और 10 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर 4 लाख से लेके 8 लाख रुपए तक का आता है। और साथ में जो बैटरीज हैं, लिथियम की बैटरी, एक बैटरी 4 लाख की आती है, तो वो बहुत एक्सपेंसिव बन जाता है। मैं अब आपके लिए एक ऐसा सोल्यूशन लेके आया हूं कि आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। शर्त सिर्फ एक है कि आप जिस शहर में रह रहे हैं वहां पे विंड प्रेशर अच्छा होना चाहिए, यानी कि हवा तेज चलनी चाहिए। उसमें ज्यादातर जो हमने देखे हैं शहर, कराची से लेके ग्वादर तक, और पसनी हो गया, ग्वादर हो गया, ठट्ठा हो गया, जो भी एरिया कोस्टल एरियाज हैं जिसपे सुंदर लगता है, उन एरियाज के अंदर हवा बहुत तेज चलती है। इस तरह इवन पंजाब के और केपीके के भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे हवा चलती है। आपने बस ये देखना है कि आपके शहर में हवा का प्रेशर आता है जिससे विंडमिल चल सके। अगर चल सकती है, हवा इतनी तेज रहती है वो भी 24 घंटे, तो फिर आप ये विंडमिल्स लगवा सकते हैं। ये मैं इसमें आपको 300 वाट से लेके 10 किलोवाट तक के जो डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो कि इस वक्त मेड इन चाइना आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इनके बारे में आपको रेट्स कोट करने वाला। और इस वीडियो के अंदर मैं ये भी बताऊंगा आपको कि कहां कहां से आपको ये वाले जो विंड मिल्स हैं ये मिल जाएंगी, एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप इंपोर्टर हैं विंड मिल्स के और या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो आप तब भी रब्ता कर सकते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में आप रब्ता करें, हमें बहुत ज्यादा ईमेल्स आ रही है, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिमांड है इस वक्त लोगों की, और लोग चाहते हैं कि सोलर की बजाय अब विंड के ऊपर शिफ्ट हो, क्योंकि सोलर जाहिर है मैंने आपको बताया रात के टाइम सोलर ही चलता। और दूसरी अच्छी न्यूज भी है कि 5 IPPs हैं जो हमेशा के लिए बंद हो रहे हैं, जो पिछले 25 साल से चल रहे थे वो बंद हो रहे हैं, क्योंकि महंगे पेट्रोल के ऊपर, महंगे फर्नेस ऑयल के ऊपर वो चल रहे थे। और मजीद 17 IPPs जो कि महंगी बिजली दे रहे थे वो भी अब बंद होने जा रहे हैं। तो उससे ये फायदा होगा कि जो बिजली है वो सस्ती हो जाएगी इंडस्ट्रीज के लिए, और इंडस्ट्रीज हमारी जो है ना वो फिर बाकी कंट्रीज के साथ कंपेटिटिव होंगी। आपको पता है हमारे इर्द गिर्द जो कंट्रीज हैं, बांग्लादेश है, इंडिया है, अफगानिस्तान है और ईरान है, इन तमाम कंट्रीज के अंदर बिजली सस्ती है। और ये 4 जो हमारे हमसाए कंट्रीज हैं, यहां से जो लोग गारमेंट्स बनवाते हैं, गारमेंट्स हो गया या और जितनी भी आइटम्स हैं, वो सारी आइटम्स सस्ती बिजली होने की वजह से सस्ती पड़ती है उनको, उनको प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ती है। लेकिन हमारे कंट्री में प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा, इस वजह से है कि बिजली महंगी। अगर आप अपने घर की छत के ऊपर या अपनी फैक्ट्री के ऊपर विंड मिल लगवा लेते हैं तो आपको बिजली एक तरह से फ्री में मिलेगी, क्योंकि एक दफा आप विंड मिल लगवाएंगे तो 25-30 साल तक फिर आपको कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। हवा तो देखें अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, हवा चलती है समुंदर के एरियाज में, स्पेशली अगर आप कराची में रहते हैं, ग्वादर में रहते हैं, हब सिटी में रहते हैं, ठट्ठा में रहते हैं, तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पंजाब में भी रहते हैं तो आपको चाहिए कि कराची या हब या ग्वादर या इस तरह के किसी एरिया में शिफ्ट हो जाए और उधर इनमें से कोई एक विंड मिल लगवा ले। बाकी मैंने सोलर के ऊपर बेशुमार वीडियोस को 400 के करीब मैंने वीडियोस बनाई हैं सोलर के ऊपर। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको मेरे 10 से 12 वीडियोस मिल जाएंगे जो डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर है, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिसिटी को सेव आप कैसे कर सकते हैं लीगल तरीके से, तो वो भी मैंने मेथड बताया है कि आप शाम के टाइम अपना फ्रिज बंद कर सकते हैं, और ये जो जो तरीके हैं डिफरेंट वो मैंने बताया। अब आप आ जाएंगे प्राइसेस की तरफ, इससे मैं आपको बताऊंगा 220 वोल्ट यानी 220 वोल्ट का 300 वाट का जो सोलर विंड टर्बाइन है ये कितने की है। सोलर की जो विंड टर्बाइन है ये मेड इन चाइना है, इस वक्त जो अवेलेबल है पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कुछ छोटे मोटे मैकेनिक हैं वो बना रहे हैं, उनका भी आप देख सकते हैं, वो भी आपको नेट के ऊपर उनके बारे में डिटेल मिल जाएगी। लेकिन मैं जिन विंड मिल्स की या विंड टर्बाइन की बात कर रहा हूं वो मेड इन चाइना है। ये मेड इन चाइना 300 वाट का 220 वोल्ट के अंदर मिलेगा आपको 25,000 रुपए में, 25,000 रुपीज में। अब आ जाए 220 वोल्ट में 400 वाट, 400 वाट का मतलब है अगर 100 वाट के आप 4 पंखे चलाना चाहते हैं या 25-25 वाट के कोई 10-12 पंखे चलाना चाहते हैं, फिर 400 वाट जो होता है ना उसके अंदर एक फ्रिज भी चल जाता है, आप एक फ्रिज भी चला सकते हैं इसको, और वो भी 24 घंटे। ये 3,75,000 रुपए में 400 वाट का आपको विंड टर्बाइन मिल जाएगी। आगे आ जाए 500 वाट,
500 वाट की जो विंड टर्बाइन है जो कि 220 वोल्ट में आएगी, ये मिलेगी 4.5 लाख रुपए में। एक चीज आपको और क्लियर करता जाऊं कि सोलर जो पैनल होते हैं वो होते हैं 48 वोल्ट के, ठीक है, 48 वोल्ट के होते हैं आमतौर पर, या 50 वोल्ट के भी होते हैं। उसके साथ अगर आपने आम बैटरी लगानी है तो 4 बैटरियां लगानी पड़ेंगी 12 वोल्ट वाली। लिथियम आयन की बैटरी जो होती है ना वो होती है 48 की या 50 की, तो वो एक भी लग जाती है, लेकिन ज्यादा फिर भी लगानी पड़ती है। और एक एक बैटरी 4-4 लाख रुपए की लिथियम की आती है, और ट्यूबलर बैटरी 50-55 हजार की आती है, 200 एम्पीयर के करीब, 180 एम्पीयर, 185 एम्पीयर। तो इसलिए जो सोलर पैनल्स हैं उसकी कीमतें कम होने की कई रीजंस हैं। सबसे पहली रीजन मैंने जैसे बताया, सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, जो यूरोप, अमेरिका, इंडिया के लिए चाइना ने सोलर पैनल बनाए थे वो एक्सेसिव बना लिए, और वो अब बिक नहीं रहे, उनके अपने प्लांट भी लग गए उन कंट्रीज में। तो वो सारे के सारे हजारों के हिसाब से कंटेनर इस वक्त कराची पोर्ट में पड़े हुए, हजारों कंटेनर मजीद आ रहे हैं शिप के ऊपर, तो प्राइसेस नीचे आती जाएंगी, हो सकता है और नीचे आ जाए। इस वक्त 25-26 के करीब रेट आया हुआ, हो सकता है 5 रुपए पर वाट पे भी रेट आ जाए 2 महीने तक, यानी दिसंबर के एंड तक 5 रुपए से लेकर 10 रुपए पर वाट तक भी रेट आ सकता है। अगर आप पंजाब में रहते हैं, अगर आप केपीके में रहते हैं, अगर आप बलूचिस्तान के उन एरियाज में रहते हैं जहां पे हवा नहीं चलती, वहां आपको चाहिए कि अपने घर की छत पे सोलर पैनल का सिस्टम लाजमी लगवा लें, क्योंकि ये लोएस्ट रेट्स हैं। और उसके वीडियोस भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे कि 5 किलोवाट का सिस्टम कितने में लगेगा, 3 किलोवाट का सिस्टम कितने में लगेगा, 10 किलोवाट का सिस्टम कितने में लगेगा, उसमें इन्वर्टर कौन सा लगेगा, फिर 2 AC वाला सिस्टम, 1 AC वाला सिस्टम, 5 AC वाला सिस्टम, वो सारी चीजें सोलर सिस्टम्स के बारे में मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट जो है वो है 800 वाट। 800 वाट भी 220 वोल्ट के अंदर आता है। 220 वोल्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ना बैटरी ना इन्वर्टर, सिर्फ आपने एक विंड टर्बाइन लगानी है अपने घर की छत पे या अपनी फैक्ट्री के ऊपर। फैक्ट्री के ऊपर तो कराची में इस वक्त 8 मेगावाट की गोल्ड विंड कंपनी है चाइना की, तो उन्होंने 8 मेगावाट की एक ही विंड मिल लगा दी। 8 मेगावाट देखा कितनी बड़ी विंड मिल होती है, कुछ 200 मीटर ऊंची विंड मिल है, तो उसके ऊपर आप वो बिजली जितनी मर्जी बनाएं। हजारों के हिसाब से जो मजदूर काम कर रहे होते हैं, हजारों के हिसाब से लाइट चल रही है, सैकड़ों के हिसाब से मोटरें चल रही हैं, वो एक विंड टर्बाइन के ऊपर। तो अगर आप कराची में रहते हैं, कराची में आपकी फैक्ट्री है, कोई कारखाना है, कोई दुकान है, कोई प्लाजा है, तो आपको चाहिए उसकी छत के ऊपर एक विंड टर्बाइन लेके लगा ले। और अगला जो विंड टर्बाइन मैंने आपको बताने वाला हूं, दैट इज फॉर 1 किलोवाट। 1 किलोवाट 220 वोल्ट के अंदर आपको मिलेगी 1.5 लाख रुपए की, सिर्फ 1.5 लाख रुपए में। और आगे आ जाए 220 वोल्ट में 3 किलोवाट। 3 किलोवाट का जो सिस्टम है ये आपको मिलेगा 2,75,000 रुपए में। 2,75,000 रुपए में 3 किलोवाट का मिलेगा। अब आप देख लें, सोलर पैनल सिस्टम भी अगर आप लेती है ना, उसके साथ अगर हाइब्रिड इन्वर्टर लगाते हैं, साथ बैटरी लगाते हैं, साथ और तारे इशारे ये सारे को लगाते हैं, जब वायरिंग शायरिंग करवाते हैं, उसके स्टैंड लगवाते हैं, सारा को लगाने के बाद आपको 3 किलोवाट का सिस्टम कम अज कम 4 लाख रुपए तक लगता है। और वो बैटरी फिर 2 साल बाद खराब हो जाती है, इन्वर्टर भी 2 साल बाद खराब हो जाता है, लेकिन आप विंड भी लेकर लगवा लेंगे तो अगले 25 साल तक आपको बचत हो जाएगी। मैं ये रिकमेंड करता हूं जो भी लोग कराची, ग्वादर, कोस्टल एरियाज में या ऐसे एरियाज में जहां पे हवा चलती रहती है, वहां सिर्फ और सिर्फ विंडमिल लगवाएं, या फिर वापडा का इंतजार करें। वापडा के भी अब बिल इंशाल्लाह नीचे आ रहे हैं, क्योंकि जर्मनी के अंदर इतनी ज्यादा बिजली पैदा होती है कि वहां कुछ महीनों में वो बिजली यूज करने के पैसे देते हैं, यानी बिजली ना सिर्फ ये कि फ्री हो जाती है, बल्कि अगर आप बिजली यूज करें तो गवर्नमेंट आपको पैसे रिफंड करती है, यानी वापस करती है। तो पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह ऐसा टाइम आने वाला है, क्योंकि हमारी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो है 46,000 मेगावाट। 46,000 मेगावाट हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और 11,000 मेगावाट के सोलर पैनल हमने छतों पे लगा लिए हैं, घरों की छतों पे, फैक्ट्रीज की छतों पे 11,000 मेगावाट के सोलर पैनल हमने लगा लिए। टोटल कितने हो गए? 57,000 मेगावाट। 57,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। और गर्मियों में हमारी जो यूजेज है ना, वो 32,000-33,000 मेगावाट है, यानी गर्मियां होती हैं तो उसमें आधी कंजम्पशन हम करते हैं सिर्फ, और सर्दियों में 10-12 मेगावाट जो है ना, 10-12 हजार मेगावाट हमारी कंजम्पशन है, यानी हमारे पास एक्सेस बिजली है, बिजली बहुत ज्यादा है, इसलिए तो हम प्लांट्स को जो एक्स्ट्रा बिजली जो महंगे प्लांट से जो फर्नेस ऑयल पे चल रहे थे उनको बंद कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगला आप देख लें, 5 किलोवाट का जो विंड मिल है या विंड टर्बाइन है, ये आपको मिलेगी जी 4.5 लाख रुपए में।
और 10 किलोवाट की विंड मिल आपको मिलेगी 5,75,000 रुपए में। 5,75,000 रुपए में ये विंड मिल आपको मिल जाएगी। 24 घंटे बिजली है, कोई लोड शेडिंग नहीं है, कोई बैटरी लगाने का खर्चा नहीं है, कोई लिथियम बैटरी नहीं लगानी, कोई ट्यूबलर बैटरी लगानी, कोई हाइब्रिड इन्वर्टर नहीं लगाना। आपको मैंने ये भी एक प्रिडिक्शन की थी 1.5 साल पहले कि सोलर पैनल नीचे आएंगे, अब आपको ये भी प्रिडिक्शन कर रहा हूं कि सोलर के जो इन्वर्टर्स हैं उनकी प्राइसेस भी 10 गुना नीचे आ जाएंगी। एक ऐसा जमाना आएगा जब आपके पास पुराना इन्वर्टर होगा और आप उसको बेचने के लिए जाएंगे तो कबाड़िया आपसे तोल के किलो के हिसाब से लेगा। वो कहेगा जी 130 रुपए किलो लोहा आता है, तो अगर आपका इन्वर्टर 10 किलो का है तो आपसे वो आपको ज्यादा 1,000 रुपया दे देगा। ठीक है, इस तरह करके ये है सारा सिस्टम। तो आई विल रिकमेंड यू के 21st सेंचुरी में आप विंड मिल्स अपनी छत पे लगवाएं, अपनी फैक्ट्री पे लगाएं, अपने ऑफिस पे लगाएं, अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे लगाएं। कराची में रहते हैं, हब में रहते हैं, ग्वादर में रहते हैं। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।